में क्या मेरी अंदर जाते फट रही है, इन लोग बार बार बोल रहे कि अभिषेक मज्जा करके, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार जाके देखता हूँ ऐसा क्या है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक सक्सेना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी मुंबई ब्लॉग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एवन डोनेट बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग में ना सबसे बड़ी खास बात है कि अच्छे अच्छों की लपाके लेती है भाई मेरे आने में। इस बिल्डिंग में हम लोग आज जाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कैसा मजा आने वाला है, देखते हैं इसके अंदर क्या है ऐसा जिससे लोगों की भटती है जाने में। आज हम लोगों ने, मैंने और सूरज भाई ने चैलेंज किया है कि मिलके आज हम लोग दिखाने वाले हैं इस बिल्डिंग का पूरा एक ब्लॉग, ठीक है। तो ये भाई हमारे सनराइज फोटोग्राफी से, अगर किसी को भी शाहजहांपुर में फोटोग्राफी वगैरह कुछ करानी हो तो भाई का नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आपको नंबर मिल जाएगा और आप चाहे तो फोटोग्राफी भी करा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बताइए। मेरी अंदर जाते फट रही है, इन लोग बार बार बोल रहे कि अभिषेक मज्जा करके, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार जाके देखता हूँ ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में। चलो आ जाओ फटाक से पीछे आ जाओ, दिखाता हूँ आपको आज इस बिल्डिंग का राज। इस बिल्डिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, आपने मतलब देखी नहीं होंगी कभी। ये कितने साल पुरानी होगी, कम से कम 150-200 साल तो पुरानी होगी, अंग्रेजों के जमाने की है ये चीज। हर साल महसूस हो रहा है। और अरे बाप रे, कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, मतलब ये देखो। ओ भाई किसको जाना है ऊपर, किसको जाना है, लिफ्ट किसको जाना है, नहीं जाना है, आ जाओ और देखते क्या क्या है इसमें मिलता है ऐसा खतरनाक। ओ भाई, बिल्डिंग में कोई आता तो है नहीं, हमें नहीं लगता कोई आता होगा जिस हिसाब से बिल्डिंग है। इधर लोग पहले आगे तापते थे ना, वो पुराने जमाने में ऐसा कैंडल मशाल बना के ऐसा, ओ ओ कहाँ है वो, दिखाओ भूत नहीं दिख रहा ना, हमें मालूम था नहीं दिखेगा यार। इधर से चलेगा पीछे से चले और आइए आगे, प्लीज दिखाते हैं। ये कुछ लोग हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है काफी। हाँ यार, ये हॉन्टेड हाउस के नाम से लोग यहाँ पे, सामने का नजारा कुछ ऐसा है, ऊपर से गाड़ियाँ जाती है, पूरी की पूरी गाड़ियाँ जाती है ऊपर से, बहुत मजा आता है। गया हुआ है मालूम इधर का। ये बता कि ये जो बिल्डिंग जो है ना, इसमें ऐसा क्या है जो लोग यहाँ पे आने से डरते हैं? वही मैं सोच रहा हूँ, मतलब यार बाकी में डरते तो हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस हिसाब से ये जो झाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, ये आम बिल्डिंग में तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है 150-200 साल पुरानी तो है ही है। ऊपर का दिखा देंगे ना भाई, कसम से पूरा का पूरा। अंदर देखिए, अंदर सूरज, अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर एक हॉल था ना मालूम, पहले मैं इसमें आता था घूमने, और रात में एक बार मैं आया ना इधर से करके, मैंने सोचा इधर से यहाँ पर खड़े होते आराम से, सब लड़के वड़के खड़े हो जाते मैच खेलने के बाद। एक बार आया मैं, इसमें से आवाज आई, सब लड़के गायब, 1-2-3 एकदम पूरी फील्ड खाली। मैं कहा क्या हो गया भाई, बोले आवाज आई बिल्डिंग में पूरी भीड़, पुलिस ही पुलिस। अभी कल की बात, कल मैं लखनऊ से आ रहा था, तो इधर से हम निकल रहे, तो भाई पता कैसी आवाज आ रही थी ना, जैसे कि आत्माएं नहीं होती हैं, वो 3D टाइप की गूंजने वाली आवाज आती है ना, गूंजने वाली, तीन तीन आवाजें आ रही थी, ऐसे चिल्ला रहे थे यार, मेरी तो कभी फट गई यार भाई। मैं सोच ही रहा था यहाँ पर एक, यहाँ पर पता है शॉट था, पहले मैं यहाँ पर गया था ना, ये पीछे वाले पार्ट में आओ तुम्हें दिखाता हूँ,
यहाँ पर मैं उस दिन गया तो मेरे को एक राजू करके लड़का है ना, वो बोल रहा है मेरे को इसके अंदर जाके दिखा, मैं तेरे को 500 रुपीज़ दूंगा। मैं बैठा 500 रुपीज़ के लिए इसके अंदर जाने क्या, तेरे को ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में भाई। मेरे जब शाम को मैं आया, मेरी हिम्मत नहीं हुई गेट क्रॉस, ऐसा लगा हवा निकली साठ से। तो मतलब कभी कभी लगता है ना कि मतलब ऐसा महसूस हो जाता है, अंदर से फीलिंग आ जाती है कि यहाँ फटने वाले, बेटा यहाँ नहीं खड़े होने का। पहले यहाँ सोचा था मैंने बैठूंगा, फिर यहाँ पर ऐसे झांका, इतनी तेज सी हवा चली ना मुंह पे, जुर जुर करके निकली, हवा चल भी नहीं रही थी, हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल साइलेंट था, तुमने देखा था ना मौसम, इसीलिए मैं चैलेंज की। चैलेंज कंप्लीट भाई, पार्टी तो बनती है आज, चैलेंज कंप्लीट किया भाई। पता नहीं है इस ब्लॉग को बनाया क्यों है, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैंने चैलेंज कंप्लीट किया, इस बिल्डिंग में आके ब्लॉग बनाया है। और कई लोग यहाँ पे आने से घबराते हैं, तो भाई आज हम दोनों लोग आए हैं, यहाँ पे चैलेंज कंप्लीट हुआ है। आज हम लोगों का ये जो चैलेंज कंप्लीट हुआ है, इस चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि वो लोग बंदे क्या दिखाने वाले हैं, अपना कौन सा ब्लॉग दिखाएंगे, ऐसा क्या दिखाएंगे, उनको क्या चैलेंज देना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए।